हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरपिंदर फ्रॉम एरल इमीग्रेशन। तो फिनलैंड में जब असं मास्टर एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उनके सब तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जी आती हैगी है वो आती वर्क एक्सपीरियंस। तुहाडा वर्क एक्सपीरियंस किवें होना चाहिए, किन्ने टाइम का होना चाहिए, जां फिर किहड़े फील्ड दे विच वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिहड़ा एक्सैप्टेबल होवे। थर्डली, तुहाडे वर्क एक्सपीरियंस विच की चीज़ां जिहड़ियां मैनशन होनी चाहिए। तो यह जैम यूनिवर्सिटी की वैबसाइट है जिन्हें थ्रू मैं जी तुम एक्सप्लेन कर रही हूँ ही, ठीक है। कोई ये नहीं है कि मैं खुद ने यह कुछ बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटी वालों जो है तुम ये मतलब आइडिया दिता हों कि तुम अपना जो वर्क एक्सपीरियंस बना सकते हो। तो फर्स्टली एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए, 2 ईयर्स तो ज़्यादा होवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 ईयर्स का 24 मंथ्स का जो वर्क एक्सपीरियंस ये चाहिए ही चाहिए। असं हर बार जो वीडियो बनाने हैं ऑन फिनलैंड स्टडी वीजा तो ये चीज़ असं जरूरी मैनशन करते हैं कि जो 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। उस तो बाद कहते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस किहड़े फील्ड का हो, नहीं है कि तुहाडी लास्ट जो बैचलर हैगी कंप्यूटर साइंस फील्ड में हो तो जो मतलब एक्सपीरियंस हैगा वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बना लो चल भी जाएगा। अगर तुम अपनी मास्टर डिग्री इन फिनलैंड मास्टर इन बिजनेस विच कर जा रहे हो फिर वो चल जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने दो ऑप्शनस ने, अगर तुहाडा वर्क एक्सपीरियंस तुहाडी लास्ट एजुकेशन के नाल रिलेट करता है तो एक्सैप्टेबल है। सैकेंडली, अगर तुहाडा वर्क एक्सपीरियंस तुहाडी नैक्सट अपकमिंग जो तुसी चूज़ करनी हैगी है मास्टर डिग्री जो तुसी चूज़ की हैगी है उन्दे नाल रिलेट करदा तो वह एक्सैप्टेबल है। तो यह दो कंडीशनज आ गई। अगर वो तुहाडा उस कोर्स नाल जां ना जिहड़ी तुसी मास्टर डिग्री कर जा रहे हो जां तुहाडी बैचलर डिग्री जो तुसी कीती सी उन्दे नाल वो रिलेट नहीं करता तो वह एक्सैप्टेबल नहीं होएगा। उस तो बाद वो कहिंदे कि अगर तुसी पार्ट टाइम वर्क करदे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुसी पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो उहदे नाल फुल टाइम तुहाडा जिहड़ा वर्क हैगा वो जिहड़ा हैगा 8 आवर्स है जां 9 आवर्स है, उस तो बाद तुसी एक पार्ट टाइम वर्क भी करते हो तुसी उहदा एक्सपीरियंस भी लान लगा सकते हो। किवें लगा सकते हो कि तुहाडी कंपनी लिख के दे देगी कि तुसी किन्ने जिहड़े घंटे एक्सट्रा तुसी वो पार्ट टाइम करदे हो तो उहदे विच इनकलूड हो जाएंगे तो तुहाडे उन्नी ही ईयर्स वाइज जिहड़ा हैगा तुहाडा टाइम वध जाएगा, वो इनक्रीज हो जाएगा। तो वह चीज़ तुसी विच नाल ऐड करवा सकते हो, तुहाडा पार्ट टाइम वर्क भी नाल ऐड हो सकता है, ठीक है। तेन अगर तुसी कोई एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तुसी कोई बिजनेसमैन हैगे हो तो उन्दे विच तुसी एडमिशन सर्विस जिहड़े हैगे उहनूं एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाउणा जिहड़ा इहनूं प्रूव करे कि वाकई ही तुसी एडमिनिस्ट्रेशन हो एंटरप्रेन्योर हो सॉरी। उस तो बाद कोई भी सर्विस हैगी एन आर्मी एंड नॉन मिलिट्री सर्विस हैगी है जां फिर नर्सिंग लीव ते हैगी है वो जिहड़े कोई भी कंसीडर नहीं होएगा एज अ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। सर्विस इन एन आर्मी नॉन मिलिट्री सर्विस जां फिर नर्सिंग लीव वो तुहाडी जिहड़ी वर्क एक्सपीरियंस विच इनक्लूड नहीं होएगा। उस तो बाद तुहाडी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिहड़ी लैन जाओगे तुसीं, ठीक है, वो भी विच इनक्लूड नहीं होएगी। बाय चांस तुहाडी बैचलर दे विच तुहाडे लास्ट जो 6 मंथ हैगे है वो तुहाडी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीगी, तुसीं उहनूं वर्क एक्सपीरियंस नहीं काउंट करोगे, ठीक है। उस तो बाद कोई मैटरनिटी लीव हैगी है मतलब कोई भी प्रैगनेंसी लीव हैगी है, फॉर एग्जाम्पल तुसीं पहला काम कर रहे हो उस तो बाद तुहानूं मैटरनिटी लई लीव लैनी पैगी तो उस तो बाद भी तुसी कैरी ऑन कीते हैगी अपनी जॉब तो वो मैटरनिटी लीव जिहड़ी तुहाडी जॉब एक्सपीरियंस दे विच इनक्लूड होवेगी, ओके। दैन उस तो बाद वर्क सर्टिफिकेट विच किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां मैनशन होनियां चाहीदियां, सब तो पहला तुहाडा वर्क टाइटल, तुसी किहड़े वर्क टाइटल ते वर्क कर रहे हो, ठीक है, तुहाडी डेजिग्नेशन की हैगी है उत्थे तुसी एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हो, एज अ क्लैरिकल जॉब ते हो, तुसी वैब डिवेलपर हो, मतलब उहदा नेम उपर मैनशन होना जरूरी है। उस तो बाद तुहाडा वर्किंग पीरियड, उनकी स्टार्टिंग डेट, ये नहीं है कि तुसी जस्ट मंथ जां ईयर लिख के ले आना, नो, तुहाडा प्रॉपरली उहदे विच डेट मंथ ईयर स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट तुहाडी उहदे विच मैनशन होनी चाहिए है। एंड अगर तुसी वो एक्टिव हैगी है स्टिल एक्टिव हैगी है तो उहदी इनफॉर्मेशन भी तुसी उहनूं दिओ, उहनां नूं दिओ कि अगर मेरी जॉब जिहड़ी हुण मैं कर रही हाँ फिलहाल, ठीक है। डेट ऑफ इशू कदों जिहड़ा हैगा मतलब इशू करके दिता है उहदी डेट नीचे पाई होनी चाहिए है। नैक्सट तुहाडी जिहड़ी सिग्नेचर ऑफ एम्पलॉयर होने चाहिए है, तुहाडी कंपनी का जो भी ऑनर हैगा उहदे सिग्नेचर उपर होने चाहिए है एंड पॉसीबल हैगा तो उहदी स्टैंप भी उपर होवे, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने एक नोट दे रखा है कि तुहाडा जिहड़ा लैटर ऑफ रेकमेंडेशन हैगा तुहाडे वर्क एक सर्टिफिकेट दे विच मैनशन नहीं होएगा। बाय चांस तुसी आपदे सीवी विच
वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हो एंड तुसी अपना सर्टिफिकेट नाल अटैच नहीं कर रहे तो वो वर्क एक्सपीरियंस दे विच काउंट नहीं होएगा। ओके उस तो बाद जो भी तुहाडा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैगा कोई भी उन्हां नाल कॉन्ट्रैक्ट तुसी कीता होया तुसी कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हो वर्क सर्टिफिकेट की जगह पर वर्क एक्सपीरियंस की जगह पर तो वह भी वैलिड नहीं गिना जाएगा। सो यही साड़ी मेन वीडियो सी। लाइक अगे एंट्रेंस एग्जामीनेशन आ रहा है जो भी एंटर एग्जामीनेशन के रिलेटिड रेलीवेंट वीडियो होएगी मैं इन रिलेटिड भी थोड़े लिए मतलब जिन्ना भी साढ़े तो कोशिश हुई असी लेके आवेंगे। तो साड़ी जो हर बार कोशिश यही रहती है कि अगर तुम जॉइंट एप्लीकेशन लगाना चाहते हो जो सिंगल एप्लीकेशन लगाना चाहते हो फिनलैंड तो उन्हें वास्ते असं हर एक आपकी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें वो तो वो इनफोरमेशन दी जाए ट्रू इनफोरमेशन दी जाए। इसलिए असं जो वीडियोज़ बना रहे हूँ वैबसाइट्स वो बना रहे हैं ता ही तुम्हें पता चले कि वाकई जो असं बोल रहे हैं वो सच है। ठीक है तो यदा जो जो टाइम हैगा वो 4 जनवरी हैगा तो 4 जनवरी तो 18 जनवरी बहुत घट टाइम है अपलाई कर ली। सो अगर तुम अपलाई करना चाहते हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करना ना भूलियो। थैंक यू सो मच।